सूत्रों से ये बड़ी खबर है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन फाइनल हो गया है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दोनों पार्टियों में सहमति बनी। चार सीट पर जहां आम आदमी पार्टी लड़ेगी दिल्ली की, वहीं ये जानकारी सामने आ रही है कि तीन सीटों पर कांग्रेस उतार सकती है अपने उम्मीदवार। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीट है। सूत्रों से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक 3 सीट कांग्रेस तो 4 सीट आम आदमी पार्टी। इस तरीके से फॉर्मूला सेट होता नजर आ रहा है आप और कांग्रेस के बीच में। इसके अलावा गुजरात में 2 सीट पर आप लड़ेगी, हरियाणा में 1 सीट पर लड़ेगी आप। सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है। गुजरात की 2 लोकसभा सीट जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सिर्फ 1 सीट पर ही गठबंधन में बातचीत अभी तक बन पाई है। जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों में सहमति बनी है। दिल्ली को लेकर के खासकर 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली में, जिस पर 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है चुनाव। इसके अलावा 3 सीटों पर कांग्रेस उतार सकती है उम्मीदवार। शुरू से ये फॉर्मूला डे 1 से चल रहा था। खबरें सामने आ रही थी कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट गठबंधन के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस को, जिसमें से सिर्फ 3 सीट ही मिलेगी, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, लड़ सकती है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में डील फाइनल को लेकर के अपडेट लेते हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपका रुख कर रही हूं। पहले दिन से जो खबरें सामने आ रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 7 सीटों पर फॉर्मूला सेट होता, उसी पर नजर आ रहा है, 4 आम आदमी पार्टी तो 3 कांग्रेस। अब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब एक एक करके डील फाइनल होना शुरू हुआ है। कल समाजवादी पार्टी से डील फाइनल हुआ और अब आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी से भी देखिए 2 स्टेट में डील हुआ। अगर आपने उत्तर प्रदेश में कुछ लिया तो आपको मध्य प्रदेश में 1 सीट खजुराहो देनी पड़ी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को। अब जो डील सील हुआ है इसमें क्लियर है कि आम आदमी पार्टी ने अगर आपको 3 सीटें यहाँ दी है जहाँ उसकी सरकार है, तो इसके एवज में हरियाणा में 1 सीट जो बॉर्डरिंग स्टेट, जो बॉर्डरिंग सीट है, कहा जा रहा है कि खासतौर पर हो सकता है सोनीपत, और सोनीपत हो चाहे गुड़गांव हो चाहे फरीदाबाद, इनमें से 1 सीट ले सकती है आम आदमी पार्टी। और इसके अलावा गुजरात में इसके बदले में 2 सीट आम आदमी पार्टी को दी जाएगी, जिसमें भरूच एक ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुकी है आम आदमी पार्टी, और एक और सीट उनको मिलेगी। तो कुल मिलाजुलाकर डील अब फाइनल होने लगा है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। हालांकि डील में देरी हुई है, बावजूद इसके डील अब फाइनल हो रहा है, और इसका कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को एक मजबूती मिलेगा, इंडिया गठबंधन को एक मजबूती मिलेगा कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। हालांकि पंजाब में डील नहीं हो पा रही है, आप जानते हैं, बलराम बेहतर बताएंगे इस बारे में, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा झुक के, थोड़ा सा पीछे हटकर इस समझौते को आगे किया जाए। कांग्रेस देखिए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हर स्टेट में नजर आ रही है, उसे बस इन पार्टियों का साथ चाहिए। इस बार पता है कि अकेले भी वो बहुत ज्यादा कुछ मैजिक कर नहीं पाएंगे, और साथ अगर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम विपक्ष में बैठने लायक इतने आप सांसद लेकर के आ जाएंगे। बलराम का रुख कर रही हूं। बलराम, क्या जानकारी आपके पास है, कौन सी वो दिल्ली की जो 4 और 3 का फॉर्मूला सेट हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट है जिसको लेकर के सहमति बनती नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में कौन कौन सी दिल्ली की सीट जा रही है? देखिए, आपको बता दें, दिल्ली ही नहीं बल्कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी ने बताया कि गुजरात, गोवा, हरियाणा और दिल्ली को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें लगभग लगभग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति बन गई है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4-3 के फार्मूले पर शुरू से ही हम कहते आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी, और उसी बात को लेकर के सहमति बनी है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेगी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चांदनी चौक और ईस्ट दिल्ली के अलावा नॉर्थ सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की साउथ सीट, नॉर्थ वेस्ट, नई दिल्ली और वेस्ट दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो इस फार्मूले के तहत दोनों दलों में सहमति बनी है। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि गुजरात में 2 सीटों पर सहमति बनी है, गोवा में पहले ही आम आदमी पार्टी ने 2 सीट में से 1 सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन जो हरियाणा को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि हरियाणा में मैं तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़
क्लियर नहीं आ पा रही है। रवि का मैं वापस रुख कर रही हूं। रवि, मैं चाहूंगी जो इन्फॉर्मेशन बलराम अभी दे रहे थे उसके बारे में आप भी इशारा कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे, इसको लेकर के आपके पास और क्या जानकारी है? दिल्ली तो लगभग तय होता नजर आ रहा है और जो तीन सीटें हैं, देखिए अनुमानित यही था, पूर्वी दिल्ली, इसके अलावा नॉर्थ में एक सीट ले सकती है कांग्रेस, जहां दबदबा है कांग्रेस का, इससे नकारा नहीं जा सकता। गुजरात की दूसरी कौन सी सीट है जिसे लेकर के आम आदमी पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है भरूच के अलावा? नहीं, देखिए दिल्ली वाला आपको क्लियर कर दूं कि दिल्ली में जो तीन सीटें हैं कांग्रेस के खाते में जाने वाली है वो चांदनी चौक है, ईस्ट दिल्ली है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है। जहां से अभी कहा है तो एक हर्षवर्धन जी सांसद हैं चांदनी चौक से, एक से आपको क्रिकेटर जो है गौतम गंभीर सांसद हैं और एक से मनोज तिवारी सांसद हैं। तो ये तीन सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी की है। और जहां तक मैंने हरियाणा का आपको बताया कि हरियाणा जो प्रभारी है उनसे जो बात हो रही है, उन्हें पता चल रहा है कि हरियाणा में बॉर्डरिंग जो दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है उसमें चार सीटें आती है, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद। तो रोहतक कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है, तो रोहतक छोड़ के इन तीनों सीटों में से एक सीट कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दे सकती है, जो ये माना जा रहा है तीन में से एक, यानी वो सोनीपत भी हो सकता है, वो गुड़गांव भी हो सकता है, वो फरीदाबाद भी हो सकता है। लेकिन जहां तक गुजरात की आपने बात की तो एक सीट भरूच फाइनल है, जहां से भरूच के रहने वाले थे आप याद कीजिए अहमद पटेल, जो कांग्रेस के रणनीतिकार माने गए, लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया, वहीं के रहने वाले, उनकी बेटी उस सीट पर दावेदारी करती है और वो कुल मिलाकर एक ट्राइबल सीट है, तो सीट पर कांग्रेस पार्टी की अपनी दावेदारी है, वहां से उनके प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और कहा जा रहा है कि सूरत ऐसी सीट है, सूरत सीट पर कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी करना चाहती है। सूरत में दो लोकसभा की सीटें हैं, एक से जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी को वो चुनाव जीतते हैं और दूसरी सीट भी बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का टारगेट है कि एक शहरी सीट और एक ट्राइबल सीट। तो शहरी सीट में हो सकता है कि सूरत की दो सीटों में से एक सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़े और दूसरी सीट उसकी भरूच रहेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है हमें। Z News.